टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैंने इवनिंग से स्टार्ट करा है भाई। बहुत आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कुछ पड़ रहा है और मेरे ना पैरों में इतना दर्द हो रहा है ना, सच में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आज अब पूरे दिन पड़ी हुई हूँ, इसको स्कूल से लेके आई थी ना, उसके बाद से मुझे हाँ तो अभी कुछ पड़ रहा है और मैं वीडियो भी शूट करना है। तो आज मैं बनाऊंगी हमारी अलीगढ़ की, कुछ बोले एक मिनट, हमारे अलीगढ़ की प्रसिद्ध बेड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ कचौड़ियाँ भी बोलते हैं। तो हम कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनाऊंगी। तो एक बार जाके ज़रूर देखना, विजिट करना यूट्यूब चैनल पे मेरे, या फिर फेसबुक पेज पे भी कर सकते हैं। जो फेसबुक पे देख रहे हो वो पेज पे कर सकते हैं फेसबुक के, और जो यूट्यूब पे देख रहे हो तो वो यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं। और नाम मेरा सेम है पेज पे भी और फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी, कुंज की रसोई। तो आप उस पर जाके विजिट करना। तो चलिए दोस्तों, भाई बैठने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ तो जाओ ना, टॉयलेट भी करने जाएगा ना तो मुझसे पूछा जाएगा, जैसे मैं मना करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं किचन में जाऊँगी भाई। अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा आज काम करने का, फिर भी करना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। किचन भी यूँ ही फैली हुई है, ज़्यादा मैंने सेट के नहीं करी थी, तो मैं सारा यूँ ही फैला हुआ है, मैं यूँ ही बैठ पड़ी रही थी। तो चलिए दोस्तों, करेंगे थोड़ा सा काम। और चलिए मैं पहले यहाँ पर सेटिंग कर देती हूँ, फिर बनाऊंगी बिना, और आलू की जो सब्जी बनाऊंगी ना बिल्कुल भंडारे स्टाइल में बनाऊंगी, और बिना आलू काट के बिना छीले, देखना कैसे बनेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, रेसिपी मेरी वहाँ बन रही है कुकर में, और देख सकते हैं आप, और ये बनाते बनाते लग जाती है भूख। तो फिर चाय बनाई थी, कुंज को भी दी थी, चाय पी रही हूँ। और यहाँ पर मेरे होली के वो नमक परे बारे बच्चे थे, दिख नहीं रहे, हाँ दिखेंगे। तो मीठी मठरी बना दी, वो खा रही थी। और अभी सीटी आ रही है, अभी बेड़ी बनाएंगे, बेड़ी कचौड़ी। तो अभी उसकी भी तैयारी करेंगे। और कुछ आप देख सकते हैं इस तरीके से फैलाना हो रहा है मेरे किचन का, बिहाइंड द सीन। तो देखिए कितना बुरा हो रहा है, बिहाइंड द सीन हो रहा है, जब मैं कुकिंग करती हूँ तो इस तरीके से हो जाता है कि देखिए। तो बाद में सही करना है अभी। तो चलिए अभी से समेट लेते हैं, अभी दूसरी रेसिपी की भी तैयारी कर लेती हूँ, बेड़ी की डगर आ गई। तो चलिए दोस्तों, सही बना लेते हैं। अभी मोहित का भी फ़ोन आया था, वो भी आने वाले हैं, तो इसलिए कुछ स्पेशल बनाने वाला था, मैं बनाने वाली थीम है। और अभी दही भी मंगाऊंगी, तो रायता बनाएंगे इसके साथ, रायता बहुत ही यम्मी लगता है। तो मोहित तो खाने वाले नहीं, उन्हें रायता दही पसंद नहीं है, वो चाय के साथ ही खाते हैं, हम लोग तो उसी के साथ खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। सारी दोनों रेसिपीज़ बन गई हैं, और किचन की हालत आप बर्तन देखिए कितने सारे हो चुके हैं, किचन की हालत भी देख सकती हैं। और ये मेरी सब्जी बनी है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं ये खा रहा हूँ। कैसे बनी बेटा? अच्छी, तो नीचे भी सबको पसंद आई, नीचे भी भिजवाई है भाई, है ना। तो चलिए अभी मैं सारा काम समझ लूँ भाई, बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। दो दो रेसिपी भी बनाओ ना तो गाइस बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और ये देखिए किचन की हालत मेरी कैसी होती। हाँ पापा तो चलिए दोस्तों, अभी मैं सारा फिनिश कर देती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे। क्या हुआ था कि जो पूड़ियाँ बनाई थी ना मैंने, जो बेड़ियाँ बनाई थी कचौड़ी, तो मैंने नीचे दे दी थी, और मुझे ना थोड़ा इग्नोर करते हैं ये सारी चीज़ ऑयली खाने में, वो कम पसंद करते हैं। तो मैंने उनके लिए नीचे से रोटी सेक दी थी, नीचे से रोटी ले आई थी, और नीचे हमने पूड़िया वो जो बेड़िया थी वो खा ली सबने, और नीचे से मैं फिर रोटी लेके आई थी कुछ के लिए, ओ सॉरी मोहित के लिए। और अभी मोहित आ चुके हैं, तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। और पता है मैं नीचे चली आती हूँ ना, सच्ची में जल्दी से आती नहीं हूँ, नीचे चली गई तो फिर नीचे की ऊपर रह जाऊँगी, तो ऊपर की तो नीचे चली जाती हूँ, फिर नीचे बहुत देर तक बातें करती रहती हूँ। तो मैं पूरे एक घंटे में से नीचे आई थी, सबसे बात करने लगी, टाइम का पता नहीं चला, फिर मैं ऊपर आई तो 5-10 मिनट बैठी, इतने में मोहित आ गए। तो उनके लिए मैंने चाय बनाई है भाई, वो चाय से खाना खाते हैं, तो चाय बना दी है और चाय छान के देखे फिर खाना देती हूँ उनको। तो फ्रेंड्स, आज का आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। और ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपको इन्जॉय मिल सके। और
मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलती है और खुशी होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं या फिर आप लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, ऐसे सपोर्ट कीजिए, ऐसे प्यार दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू।